जनपद राय बरेली में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां सगे मामा के लड़के ने रिश्तों को तार तार कर दिया। थाने पहुंची पीड़ित युवती ने अपने मामा के लड़के और उसके दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित युवती की मां ने जब वो अपने घर जा रही थी तभी मामा के लड़के ने उसे लिफ्ट ऑफर की और कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। उस समय उसका एक साथी भी उसके साथ मौजूद था, जिसके बाद वे दोनों युवक युवती को अपने साथ कहीं जंगल में ले गए, जहां जंगल में ले जाकर बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना से पीड़िता काफी डर गई। इस कलयुगी भाई ने युवती को डराया धमकाया। डरी सहमी पीड़िता ने थाना नसीराबाद में इसकी सूचना दी, लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता की माने तो घटना कुछ दिन पूर्व की है, जिसको लेकर 18 दिन बीत चुके हैं। आज पीड़िता हताश होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से मिलने के बाद उसने अपने जान माल और सुरक्षा के बारे में उनसे गुहार लगाई। क्या घटना हुई है आपके साथ और आज कहां पर आई हैं आप? आज हम एसीपी ऑफिस आए हैं, हमारे साथ जो घटना हुई है उसकी शिकायत दर्ज कराने आए हैं और हम जो है। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ ये घटना हुई है कि हमारे मामा के सगे मामा के लड़के ने हमारे साथ बलात्कार किया और अपने दोस्तों को भी साथ में करवाया। कब की घटना है ये? 6 तारीख कौन सा महीना? अगस्त। 6 अगस्त की घटना है। घटना होने के बाद आप कहीं गई थी? किस थाने? जब आप थाने गए थे तो क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, बोले जाओ हम देख लेंगे। कोई किसी पुलिस प्रशासन कोई आपके साथ नहीं आया वहाँ पे? जी नहीं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। जिस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है वो आपका कौन है, रिश्तेदार है या कौन? मामा का लड़का है और उसके साथ जो दोस्त था, हम उसे ना जानते हैं ना पहचानते हैं उसको। कैसे उसने आपको कहाँ बुलाया, क्या हुआ, पूरी बात अपनी बताइए। हम गए थे सलून, वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो हमारे पास फोन किया कि जो है तुम कहाँ हो। हमने कहा हम नसीराबाद वापस आ रहे हैं। बोले ठीक है तुम छतों में उतर जाना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो हम जब वहाँ उतर गए तो अपने दोस्त के साथ आए और हमें गाड़ी पे बिठाया और बिठा के हमें यूनानी भट्टे के पास लेके गए। वहाँ पे एक जंगल था, वहाँ पे दोनों लोगों ने हमारे साथ जंगल में गलत काम किया और करने के बाद हमें चाकू से डराया कि तुमने अगर कुछ बोला तो तुम्हें यही जान से मार देंगे। तो आपने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? जी हम वो लोग दो लोग थे, हम उन्हें नहीं रोक पाए। अब क्या आपके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, क्या है? जी हमारे घर वालों को धमकियां दी जा रही है कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम घर से निकाल, हमारे घर में ताला लग जाएगा और घर वालों को घर से बाहर निकाल देंगे और हमें जान से मारने की धमकी दी है। हम अगर हम कहीं जाते हैं अपनी शिकायत लेके तो हमारे पीछे आदमी लगे हुए हैं और हमें जान से मारने की धमकी बहुत मिल रही है। कप्तान साहब ने क्या कहा आपसे यहाँ? कप्तान साहब ने कहा कि आप बेफिक्र होके जाइए, हम देख लेंगे। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगी आगे? हम अपनी जान दे देंगे, इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो लोग हमारे ऊपर। कौन लोग? इरशाद के घर वाले और उनके साथ जो लोग हैं जो हमारे पीछे आदमी लगा रखे हैं।